Hi, this is Tanu here. Welcome to my channel Tropical Penguin. If you really like my videos, please subscribe to my channel, which is free of cost. Don't forget to click the bell button for latest updates, and at the end do click the like button. Thank you. Hello everyone, kaise aap log sab? Bahut dino baad, after 6 months I guess, main yahan pe hu aur aap sabhi ko swagat hai mere channel Tropical Penguin mein. Main hu Tanu. सो आप लोग कैसे हैं सब? मैं तो ठीक हूँ. बस मुझे थोड़ा गर्दन में दर्द था, लेकिन वो बस कुछ समय के लिए, उसके बाद शायद ठीक हो जाएगा. तो कैसा चल रहा है आप लोग का सब? मैं क्या बताऊँ, और मैं बता भी नहीं सकती मैं क्या बताऊँ. और हाँ, तो मैं आफ्टर 6 मंथ मैं फिर से आई हूँ. होप इस बार मैं क्या कहते हैं उसे, मैं रेगुलर रहूं. एक्चुअली ना बहुत कुछ हो गया इस 6 मंथ में. ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुआ, मैं ऐसा कुछ ख़राब तो नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ अच्छा हुआ. लेकिन क्या हुआ था मैं आपको बता रही हूँ. मैं लास्ट जब मैंने वीडियो डाला था जनवरी में, आई गेस, हाँ जनवरी में मैंने डाला था. तो उसके बाद उस मंथ में मैंने 2 वीडियोज़ डाले थे. और मैं एक्चुअली क्या है ना, जियो एक एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन टाइप का एक जियो एक है. तो हमारे अंडमान में ना जियो नहीं होता है, वहाँ पे BSNL का ही नेट है, और एयरटेल का भी शायद है, मुझे उतना पता नहीं. और BSNL का हमारे घर में ब्रॉडबैंड लिया हुआ है, और मुझे नहीं पता था पैकेज क्या है, कुछ है, मुझे एक्चुअली उस बारे में उतना नॉलेज है नहीं. तो मेरा भाई मुझे बताता था कि थोड़ा कम यूज़ करो. लेकिन हालांकि मैं जियो यूज़ करके जब गई हूँ ना, मुझे ऐसा ही था कि मुझे हर वक्त कुछ भी, अगर सॉन्ग भी सुनना होगा तो मैं यूट्यूब से प्ले करती थी. मैं ऐसा डाउनलोड करके या फिर मेरे फ़ोन के, मेरे फ़ोन पे गाने थे ही नहीं. मैं ऐसा क्या कहते उसे, यूट्यूब से प्ले मैं करती थी. इसके कारण क्या हो गया, हमारा जनवरी मंथ का जो बिल है वो आ गया 14,400 या 500, मैं मुझे याद नहीं उतना. तो उसके बाद से मैंने ठान लिया था कि मैं और यूट्यूब नहीं करूँगी, क्योंकि ये ठीक सही नहीं है ना, इतना पैसा वेस्ट करना. और उसके बाद मैं अकेली नहीं, मेरे भाई भी है, सबको यूज़ करते हैं, सबको कुछ ज़रूरत पड़ता है, उनको कुछ प्रोजेक्ट के लिए उनको ज़रूरत होता है, और कुछ ज़रूरत भी सबको हो जाता है, कभी कुछ देखना होता है. बड़े भाई का भी जॉब का चल रहा था, तो उसे भी ऐसा डाउनलोड करना पड़ता था, मुझे भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं, मतलब क्या हुआ था, लिमिट एक्सीड हो गया था. लेकिन मुझे ना, मुझे समझ नहीं आया था कि इतना ज़्यादा आ जाएगा, कि 14,000 तक मतलब ठीक है. हमारा ऐसा 1,500 तक आता है बिल, तो हमें लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 तक ही आ जाएगा. लेकिन मुझे पता है 2,000 भी ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी क्या बोलूँ, लेकिन अभी हो गया. देन उसके बाद से मैंने छोड़ दिया. फिर बाद में मेरे छोटे भाई ने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. लेकिन वो क्या करता है, वो अपना डेटा, मतलब उसका वीडियो बहुत छोटा छोटा होता है, और उसको मेरे जैसा आदत भी नहीं, लत भी नहीं कि हर वक्त नेट पे रहना. मेरा ऐसा ही आदत था, मैं एडिक्टेड हूँ, मैं फ़ोन से और इंटरनेट से मैं इतना एडिक्टेड हूँ, मैं क्या बताऊँ. तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने बंद कर दिया. देन उसके बाद मैं छूती भी नहीं थी, मेरा अकाउंट भी मैं ओपन नहीं करती थी. लेकिन फिर से ना, मैं जब कर्नाटका आई, फिर से मुझे थोड़ा याद आ गया अपना चैनल का, मुझे वो पुराने सारे दिन याद आ गए. फिर मैंने सोचा कि हाँ, और एक बात है, मैं आई तो यहाँ पे बहुत दिन हो गए, लेकिन बात ये हुआ कि मेरा दोनों फ़ोन का हाथ, मतलब जब बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के, वैसा हो गया. मेरा जो फ़ोन था, पहले आपको पता होगा कि मेरे दोनों फ़ोन, मैंने मेहंदी लगाया था अपने नेल्स पे, तो मेरे दोनों फ़ोन्स क्या हुआ, जब चोरी जो फ़ोन हुआ था, वो फ़ोन भी मुझे मिल गया था. मेरे पास और एक सैमसंग का फ़ोन था, J7 प्राइम का, लेनेवो का फ़ोन था मेरे पास, क्या कहते हैं, लेनेवो, कौन सा फ़ोन था वो मेरा, लेनेवो K4 नोट ऐसा कुछ तो था. मेरा एक फ़ोन का हालत तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ क्या हो गया. और एक फ़ोन भी, उसका डिस्प्ले एक्चुअली, वो चोर ने, मतलब मेरा फ़ोन जो चोर साहब ने लिया था, चोर साहब ने क्या किया था, वो तोड़ दिया था, तोड़ के उसने उस पर चेंजेस किया था कुछ कुछ पार्ट, और वो शायद ओरिजिनल नहीं थे.
बाद में कुछ दिन बाद ही उसका टच में प्रॉब्लम होने शुरू की। उसका कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं टच में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। उसके बाद में अंडमान से मैंने एक दुकान से ठीक करवाया 2000 से, और लेकिन वो पता नहीं उन्होंने क्या कर दिए, वो भी ख़राब हो गया। उसका डिस्प्ले भी थोड़ा सा क्रैक आ गया, पता नहीं फ़ोन कहाँ पे, नहीं तो मैं आपको बताती। और इसके लिए मैं यहाँ पे आने के बाद भी मैं वीडियो में शूट नहीं कर पाई। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये सारे अपडेट्स हैं मेरे लाइफ के, कुछ कुछ छोटे छोटे। मैंने अभी एक नया फ़ोन लिया है, ऑनर 9 लाइट, और आई होप मैं इससे वीडियो कुछ शूट करूँगी। और उसके बाद मुझे और एक बात बताना था, मैंने जो गिव अवे का बताया था कि मैं हर एक जब लाइक 300-400 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे, मैं छोटा छोटा एक गिव अवे रखूँगी। लेकिन अभी क्या है ना, मैं वो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अंडमान से मुझे सच में पॉसिबल नहीं होता है। मैं नायका वहाँ पर डिलीवर नहीं करता, मैं वहाँ से कितनी बार नायका से मैं ये ऑर्डर करती हूँ वो ऑर्डर करती हूँ, मेरा कैंसिल हो जाता है। मैं क्या करूँ अभी, मैं नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बता रही हूँ, हाँ मैंने एक छोटा सा फ़ोन लिया यहाँ पे आने के बाद, 700 का। मैं बहुत पैसा वेस्ट कर रही हूँ फ़ोन पे, 700 का एक फ़ोन लिया है मैंने। मैं उसी से कॉल वॉल करती हूँ और वो बेस्ट है, बेस्ट है मतलब बेस्ट है। तो मैं, हाँ मैं वही बता रही थी आपको कि बाप रे, मैं वीडियो जितना शॉर्ट में सोच रही थी बढ़ ही जा रहा है। तो वही बोल रही थी कि बाद में क्या बता रही थी, मैं भूल ही गई। मेरा फोन आया, मैं फोन बात करके मैं आपसे बात कर सभी भी बात ही कर रही हूँ। और मम्मी ने मैसेज किया है, मैं एक्चुअली उनसे बात करके मैं वीडियो फिर से पॉज करती हूँ। और हाँ, ये फ़ोन मैंने लिया है, ये किसका फ़ोन है, आईटेल का फ़ोन है, बहुत मस्त फ़ोन है। पता है, अगर आपको कॉलिंग के लिए कुछ फ़ोन चाहिए, हेलो हेलो, ये अंडमान का नेटवर्क बहुत गंदा है यार, मम्मी के यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं है, बहुत क्रॉस कनेक्शन भी हो रहा है। BSNL का नेटवर्क घटिया से भी घटिया है सच में। होप इस बार सुनाई दे। ये फोन आपको पुराने दिन का याद नहीं दिलाता है? इल्ला हादीगढ़ू बिजी आगे दे, मैं कनाडा थोड़ा बहुत सीखी हूँ, इस बार कॉल लगना चाहिए। हाँ नहीं लग रहा यार, मुझे बाहर का लाइटिंग बहुत पसंद है, बल्ब है लगा। हेलो, हेलो, कनेक्शन हुआ, पक्का क्रॉस कनेक्शन है ये। ना गंदा से क्रॉस कनेक्शन होता है, और पता है यही पे लगता है ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना, क्योंकि मैं इसका आवाज पहचान ली।
देखो आलू शैबीफी क्या करूँ यार, कब से ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क बिजी, शायद नेटवर्क गए वहाँ पे ना नेटवर्क जाता है, वहाँ पे करंट नहीं होने से ना फोन भी नहीं लगता। नंबर टू कनेक्ट नहीं लग रहा यार, बिल्कुल नहीं लग रहा। और पता है जब मैंने एक ट्राईपॉड भी ऑर्डर किया, गोरिल्ला पॉड भी ऑर्डर किया, क्योंकि ये फ़ोन से ना ऐसा हाथ से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो भाई को भी चाहिए क्योंकि उसने भी ब्लॉगिंग शुरू किया है। अगर हाँ, और आप लोग मेरा भाई का ब्लॉग भी चेक करिए, उसका नाम है कुछ क्या? भूल गई यार, शेड्स ऑफ अंडमान आई गेस, या शेड्स ऑफ अंडमान। सो आप लोग चेक करिए, वो अंडमान का वीडियो बनाता है, मतलब छोटे छोटे जगह अंडमान का जो है उसका वीडियो बनाता है, जो छोटा छोटा व्लॉग बनाता है घूमने के लिए। हेलो, हाँ बोलो। बात हो गया अभी मम्मी को, मम्मी सोने जा रही थी। एक्चुअली ना वहाँ पे नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि जब नेटवर्क रहता है हम जितना हो सके बात कर लेते हैं, तो हाँ जितना हो सके बात कर लेते हैं। और मेरा हाथ दर्द हो रहा है, लिटरली मेरा हाथ दर्द हो रहा है। मैं मतलब मैंने ट्राईपॉड मंगाया है, शायद मंडे तक शायद आ जाएगा, और वो आने के बाद मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगा, राहत मिलेगी मुझे। और हाँ, तो मैंने फ़ोन लिया है, फ़ोन मेरा सुबह 11 बजे आया था, उसके बाद मैंने इसको चार्ज लगाया। चार्ज लगाने के बाद मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया ये फ़ोन। चार्ज होने के बाद मैंने क्या किया, मैं दोपहर को नहा धो के मैं खाना खाने के बाद मैं सो गई, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी आज उठी थी, 5:30 बजे शायद। उठने के बाद मैं सो गई, फिर मैं 5 बजे उठी, इसीलिए मैं दोपहर को कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। इसलिए फिर मुझे लगा ठीक है, चलो खाना वाना खाने के बाद मैं रात को ही शूट करती हूँ। और मैं इस बार सच में मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंसिस्टेंस रहूँ। सच में मुझे ऐसा ना बकवास लगता है ऐसा टाइप का, मतलब वादा करके नहीं करना, सच में अच्छा नहीं लगता है। लोग ठीक है और मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। मेरा हिंदी भी बहुत ख़राब हो चुका है सच में बहुत गंदा हुआ। और दूसरे कोई फ़ोन पे मैसेज आया, और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। मैं कल से कोशिश करूँगी, मैं अब से नहीं, मैं ये वाला मैं आज से ही कोशिश करूँगी, ठीक है? तो ठीक है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, मतलब कल। हाँ यार, मैं इम्पोर्टेंट बात तो बोलना भूल ही गई, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।